फ्री फायर में एलीट एंट्री को कैसे अनलॉक करें ये तो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ही। एंड जितना इजी तुम एलीट एंट्री को अनलॉक करना समझ रहे हो ना उतना इजी है नहीं। एक नॉर्मल फ्री फायर प्लेयर को एलीट एंट्री को अनलॉक करने में अराउंड 1 वीक से लेकर 2 वीक तक का टाइम जो है वो लग सकता है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। अगर तुम उन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हो तो तुम लोग जो है इस एलीट एंट्री को जो है कुछ घंटों में ही जो है अनलॉक कर लोगे। एंड अगर तुम एक अच्छे खासे प्रो प्लेयर हो तो कुछ मिनटों में ही जो है एलीट एंट्री को अनलॉक कर लोगे। तो बारी बारी करके जानते हैं कि कौन से वो 3 स्टेप्स हैं जिनको तुम फॉलो करके एलीट एंट्री को कुछ घंटों या फिर कुछ मिनट्स में ही जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को कहीं यहाँ पे स्टेप 1 के साथ। स्टेप 1 जो है गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लस गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पार्ट प्ले करता है एलीट एंट्री के अनलॉक होने में, जो कि है गाइस यहाँ पे अपना FFWS इवेंट के थ्रू ही जो है गाइस यहाँ पे आपका एलीट एंट्री अनलॉक होगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग समझ रहे हैं एंड सोच भी रहे हैं, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। FFWS इवेंट के थ्रू आप लोगों का एलीट एंट्री अनलॉक नहीं होगा, बल्कि गाइस यहाँ पे जो है एलीट एंट्री ऐड होगा अपने FFWS इवेंट के थ्रू। आप लोगों ने देखा होगा गाइस यहाँ पे अपना जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट है उसके अंदर जो है गाइस यहाँ पे गरीना ने जो है एक ग्लोबल माइलस्टोन रखा है एलीट एंट्री के लिए। जब गाइस यहाँ पे जो है वो ग्लोबल माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों का जो एलीट एंट्री है वो गेम के अंदर आएगा। तो अब ये ग्लोबल माइलस्टोन क्या है ये तुम्हें समझना जरूरी है। तो गाइस यहाँ पे जो ग्लोबल माइलस्टोन है वो कुछ इस टाइप से वर्क करता है कि जितने भी फ्री फायर के सर्वर्स हैं एंड उनके अंदर जितने भी फ्री फायर के प्लेयर्स हैं वो जैसे जैसे जो है गाइस यहाँ पे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट को कंप्लीट करेंगे उतना ही तेजी से जो है गाइस यहाँ पे ये जो ग्लोबल माइलस्टोन की जो चार्ट है यानी कि ये जो बार है वो इंक्रीज होगा। एंड वैसे ही जो है गाइस आप लोगों का एलीट एंट्री जो है गेम के अंदर आएगा। तो जैसे ही जो है गाइस यहाँ पे ये बार 100% फिल हो जाएगा तो आप लोगों को जो है आपकी आईडी के अंदर जो है एलीट एंट्री देखने को मिल जाएगा। मींस गाइस आपको आईडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, जो करेक्टर सेक्शन होता है फ्री फायर का उसके अंदर जो है एलीट एंट्री आ जाएगा। अब वहाँ से कैसे अनलॉक कर सकते हैं अब ये चीज़ जो है मैं आप लोगों को स्टेप 2 के अंदर बताता हूँ। स्टेप 1 के अंदर मैंने तुम लोगों को ये बताया कि एलीट एंट्री जो है वो करेक्टर सेक्शन के अंदर कैसे ऐड होगा। अब करेक्टर सेक्शन से उसको तुम लोग अपनी आईडी के अंदर कैसे अनलॉक कर सकते हो ये मैं तुम्हें स्टेप 2 के अंदर बताऊंगा। एंड स्टेप 2 जो है वो कैसे यहाँ पे मस्ट वॉच पार्ट होने वाला है वीडियो का, तो कैसे यहाँ पे स्टेप 2 को जो है बहुत अच्छे से समझना। सो बेसिकली एलीट एंट्री को अनलॉक करने के लिए तुम्हें एक टोकन की जरूरत पड़ने वाली है। टोकन का नाम होगा गाइस यहाँ पे अवेकिंग एंड्रू एम्बलम। एंड इस टोकन के थ्रू ही जो है गाइस यहाँ पे तुम्हारी एलीट एंट्री की स्टोरी जो है वो अनलॉक होगी। एंड अब ये स्टोरी किस बला का नाम है ये तो मैं तुम्हें स्टेप 3 के अंदर बताऊंगा। तुम लोग फोकस करो जस्ट यहाँ पे एलीट एंट्री के टोकन के ऊपर यानी कि एलीट एंट्री एम्बलम की तरफ। इस टोकन को कलेक्ट करने के लिए तुम लोगों को गाइस यहाँ पे कुछ मिशंस होंगे उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड ये जो मिशंस है यही तुम्हारा जो मैक्सिमम टाइम है जो है उसे कंज्यूम करेंगे। एंड अगर आप तुम एलीट एंट्री को जल्दी अनलॉक करना चाहते हो तो तुम्हें जो है गाइस इन मिशंस को भी जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड अब तुम लोग इसे जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं तुम लोगों को बारीकी में यानी कि डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि तुम लोग जो है गाइस यहाँ पे इन मिशंस को बहुत जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, याद से जो है गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लेना। बिकॉज गाइस इन फ्यूचर जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ रिलेटेड टू एलीट एंट्री मिशंस उस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को ऐसी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिनके थ्रू जो है गाइस यहाँ पे तुम इन मिशंस को जो है विद इन फ्यू मिनट्स जो है कंप्लीट कर लोगे। तो ठीक है गाइस याद से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लेना। एंड इन मिशंस को कंप्लीट करने के बाद तुम लोगों को जो है गाइस यहाँ पे एलीट एंट्री के जो टोकन्स है वो मिलेंगे। एंड इन टोकन्स का यूज क्या है वो है बेसिकली गाइस यहाँ पे एलीट एंट्री की स्टोरी को अनलॉक करने में। अब ये स्टोरी किस बला का नाम है ये मैं तुम लोगों को स्टेप 3 में बताता हूँ। तो बेसिकली गाइस ये स्टोरी क्या है वो बेसिकली गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मेन रोल प्ले करता है एलीट एंट्री के अनलॉक होने में। बिकॉज गाइस यहाँ पे जब तक तुम इस पूरी स्टोरी को अनलॉक नहीं करोगे तब तक जो है गाइस यहाँ पे तुम्हारा जो एलीट एंट्री है वो अनलॉक नहीं होगा। एंड स्टोरी को अनलॉक करने के लिए तुम लोगों को जरूरत होगी गाइस यहाँ पे इन टोकन्स की। एंड टोकन कैसे मिलेंगे ये मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी स्टेप 2 में बता दिया है। तो स्टेप 3 के अंदर जस्ट तुम लोगों को गाइस यहाँ पे ये जो टोकन है जिनका नेम है गाइस यहाँ पे अवेकिंग एंड्रू एम्बलम इनको जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड सिंपली जो है गाइस यहाँ पे एलीट एंट्री की जो स्टोरी है उसको तुम लोग जो है अनलॉक कर सकते हो। एंड जैसे ही तुम लोग पूरी स्टोरी को अनलॉक कर लोगे तो गाइस यहाँ पे जो अवेकिंग नाम का जो एक बटन देखने को मिल जाएगा तुमको। एंड सिंपली उस बटन पर क्लिक कर देना। एंड क्लिक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पे तुम्हारा एलीट एंट्री जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अभी मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी थे जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मेरी आईडी के अंदर तो एंड्रू है ही नहीं तो क्या मैं एलीट एंट्री अनलॉक कर पाऊंगा। तो बिल्कुल यार तुम लोग एलीट एंट्री को अनलॉक कर पाओगे। इट्स नॉट मैटर कि तुम्हारे पास एंड्रू है या नहीं, जो गरीना है ना वो तुम लोगों को ऑलरेडी एंड्रू दे देगा जैसे ही जो है गाइस यहाँ पे ग्लोबल माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट होगा। तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑफिशियल कंफर्मेशन या फिर ऑफिशियल कुछ भी आएगा फ्री फायर की तरफ से रिलेटेड टू एलीट एंट्री मैं तुम लोगों को सबसे बता दूंगा। बट तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो अगर तुम्हारे पास एंड्रू नहीं है तब भी।